नमस्कार, आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की और मैं हूँ योगेश राणा। लड़ाई जीतने का एक फार्मूला यह भी होता है कि जंग से पहले ही प्रतिद्वंदी को हारता हुआ प्रतीत करा दो। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल यही हो रहा है, आइए बताते हैं कैसे। आज तीन घटनाएं हैं, यहां पर गौर करना इन घटनाओं के बारे में जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को जनता ने कैमरे के सामने खरी खरी सुना दी है। यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला क्या है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन प्रदेश में तेजी से घट रही राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों की बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। कैसे घूमती दिख रही है, इस पर भी बात करेंगे। हरीश रावत ने भाजपा सरकार में मंत्री हरक सिंह से फोन पर बात की है। अब इस पर हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। इसी के साथ उन्होंने एक और चौंकाने वाला बयान दिया है। इस बयान के बहुत बड़े मतलब है। ये बयान उत्तराखंड की राजनीति के बदलते रूप और स्वरूप को बताने के लिए काफी है। उनका यह बयान उसी दिशा में है जैसा कि मैंने कहा, विरोधी को लड़ाई से पहले हारता हुआ दिखा दो तो जीत के मायने बन जाते हैं। इसी के साथ हरीश रावत ने अल्मोड़ा को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख दी है। इस पोस्ट के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के लेकर बात करते हैं। अजय भट्ट को रास्ते में घेर कर लोगों ने खरी खरी क्यों सुना दी है। बात नैनीताल जिले में बेताल घाट की है। अजय भट्ट वहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए थे। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यह विधानसभा क्षेत्र यशपाल आर्य के पुत्र संजीव आर्य का है। यहां नाराज लोगों से अजय भट्ट ने कहा कि वह आपदा के बाद दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपनी सुनानी शुरू कर दी। लोग कहने लगे, आप आपदा की बात कर रहे हैं, यहां तो 4 महीने से पानी ही नहीं आया है। लोगों ने यहां तक कह दिया कि आपका विधायक तो भाग गया है, भाजपा जिंदाबाद, हमें भी करना आता है, लेकिन हमारी पीड़ा कौन सुनेगा, पहले यह तो बताइए आप। अब इस पर भाजपा को छोड़कर अभी अभी कांग्रेस के पास गए यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य कह रहे हैं कि क्या करें भाई, 4.5 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, भाजपा ने सरकार ने कुछ विकास ही नहीं किया है। यह विकास में बाधा पिता और पुत्र को 4.5 साल बाद दिखाई दे रही है, कमाल की बात है। ऐसा क्या हो सकता है कि उनको पहले से ये विकास में बाधा दिखाई ना दी हो। दूसरे पाले में जाने के बाद अगर विकास में बाधा दिखाई देती है तो इसके मतलब होते हैं, इसके मायने होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरीश रावत की। हरीश रावत की उस सोशल मीडिया पोस्ट की बात करते हैं जिसमें उन्होंने अल्मोड़ा को लेकर एक खास मैसेज दिया है। उन्होंने लिखा है, अल्मोड़ा से आते जाते वक्त मन हमेशा जरा भारी सा हो जाता है, न जाने ऐसा क्या है, अल्मोड़ा ने मुझे बनाया तो अल्मोड़ा से ही मैं ध्वस्त होकर भी गया, लेकिन एक बात हमेशा रही, मैं चुनाव जीता या हारा प्यार अल्मोड़ा ने केवल मुझसे ही किया। उन्होंने इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है कि जैसे कहते हैं, उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पे आयो, मुझसे कोई पूछे कि कहां लौटना चाहते हो तो मैं मोहनरी का नाम लूंगा, मैं अल्मोड़ा व अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का नाम लूंगा। वैसे उन्होंने हरिद्वार को लेकर भी लिखा है, अल्मोड़ा के साथ हरिद्वार का जिक्र किया है, इसीलिए यह पोस्ट खास हो जाती है। उन्होंने लिखा है, हाँ हरिद्वार को जरूर इस कड़ी में मैं कभी नहीं भूल सकता, उन्होंने मुझको उस समय सहारा दिया जिस समय मैं पूरी तरीके से बिखर सकता था, इसीलिए अब चुनाव जीतूं या हारूं मैं हरिद्वार के प्रति समर्पित रहता हूं। इसी पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा है, ये अंतिम अवसर है कि आप उत्तराखंडियत और उत्तराखंड को समझने वाले लोगों को आगे ला सकते हैं। इस पोस्ट के बाद लोग कह रहे हैं कि हरीश रावत इस बार चुनाव लड़ने अल्मोड़ा की ओर जाएंगे। वैसे भी हरीश रावत ने जिस तरीके से उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को लेकर मुहिम शुरू कर रखी है, उसकी मांग भी यही है कि वो कुमाऊं में अल्मोड़ा की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। ऐसा होगा, यह लग भी रहा है। अब हरक सिंह की बात करते हैं। हरक सिंह पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने एक और चर्चित होने वाली बात कह दी है। उनकी पूरी बात को इस संदर्भ में समझने की कोशिश करें कि विरोधी को हारता हुआ दिखाना भी जीतने के लिए एक रणनीति होती है। उनकी बातों के मतलब समझने की बहुत जरूरत है। हरक सिंह का कहना है कि उनका यह कार्यकाल सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है। सत्ता में रहते हुए, सरकार में मंत्री रहते हुए शायद ही कोई नेता ऐसा कहते हुए सुना होगा कि मेरा कार्यकाल घटिया रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस सरकार में काम
हुए नहीं है और किसी ने करने भी नहीं दिए। मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने गिड़गिड़ाने का भी कोई लाभ नहीं हुआ है, बस रोड़े अटकाए गए हैं, यह हरक सिंह कह रहे हैं जो अभी भी भाजपा की सरकार में मंत्री है। सरकार का मंत्री ऐसी बात कहे तो यह चिंता की बात है, लेकिन यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि मंत्री साहब यह बात किस माहौल में कह रहे हैं, किस लाइन पर खड़े होकर कह रहे हैं, किन परिस्थितियों में कह रहे हैं। उनके बारे में यह चर्चा आम है कि वे कुछ ही दिन में कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। बस हरीश रावत की हां का इंतजार है। हरीश रावत बाहर से धामी सरकार को घेर रहे हैं और हरक सिंह घर के भीतर ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या इस दिशा में सोचने की जरूरत नहीं है? वे अपनी बात के जरिए साफ साफ भाजपा सरकार के इस कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं। घर के भीतर रहकर सरकार में मंत्री रहकर निराशाजनक बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन इन बीजेपी वालों और सरकार के लोगों ने कुछ करने नहीं दिया है। वह अब इस बात को कह रहे हैं जब उनके हाथ कांग्रेस से मिलते हुए दिख रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है, क्या यह कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत की धामी सरकार को नाकाम बताने की बात को आगे बढ़ाती बात नहीं लग रही है? क्या यह सरकार को चुनावी मैदान में जाने से पहले ही नकारा कह देने की बात नहीं लग रही है? क्या हरक सिंह जनता से कहते नहीं दिख रहे हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है? क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि हरीश रावत बाहर से और हरक सिंह घर के भीतर से भाजपा को हराने में लगे हुए हैं? मौजूदा समय की राजनीतिक उथल पथल इन सवालों पर गौर करने की जरूरत पर बल देती है, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, जंग के लिए एक रणनीति यह भी होती है कि जंगे मैदान में पहुंचने से पहले प्रतिद्वंदी के बारे में चर्चा आम कर दी जाए कि वे कमजोर है, नाकारा है, इसीलिए हार रहा है। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं उत्तराखंड की राजनीति के साथ।